ये क्या हो रहा है? क्या बीटिंग करने वाले हैं हम लोग माइंड ब्रॉल? बहुत सीरियस होने वाला है, तो मैं अपना अपीयरेंस भी चेंज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी खींच डाला मैंने जगह का, और एक ना स्क्री एक अंदर चेस्ट रखा हूँ पे, अगर इमरजेंसी में हम लोग को वो 350 चाहिए रहेगा तो। ये वो 350 को हम लोग डबल कर सकते हैं क्या? क्या चलिए बड़ा जरूरी है, ये हो गया। ओके चल बता क्या हो रहा है। हाँ सही है। तो ये है बहुत टाइम पहले की, मैं हाँ बहुत टाइम। अपने प्लेनेट में रहता था जिसका नाम है डीमन टोपिया। ठीक है, डीमन टोपिया। ओके उधर हर एक भी डीमन था, कोई इंसान नहीं रहते, तो उधर हम लोग खुद ही रहते थे। ठीक है हाँ, खाली डीमंस। बट मेरा बाप उधर का था राजा ओ उस प्लेनेट का, और वो बहुत ज्यादा क्रूर था। लाइक वो जो कुछ चाहिए वो करता था, लाइक किसी को भी मार देता था, किसी के साथ कुछ भी करता था। ठीक है हाँ इविल था। हाँ, बहुत ज्यादा इवल। फिर गुस्से में या किसी कारण या मजाक मजाक में उसने मेरे बाप को मार दिया। तेरी माँ को हाँ मार दी। हाँ, फिर मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं अपने बाप को मारने के लिए गया। बट मैं तब छोटा तब मैं बच्चा था, छोटा सा। तो उन्होंने मेरे को लिटरली इतना गंदा मारा, मैं लिटरली लाइक मेरे को हम डीमंस ना रीजन हो सकते हैं नेचुरली, तो हमारे इधर कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे को रीजन होने में मैक्सिमम 1 साल लग गया। मैंने ठान ली कि मैं उसको मार के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो। फिर उसको मारने के लिए मैं गया उधर ना, मेरे को पता था कि जिसने मेरे बाप को ट्रेन किया था ना, मैं उसके पास गया। मेरे बाप ने लिटरली उसको एक प्रिजन में ट्रैप करके रखा था फॉर सम रीजन। वाह, जिसने सिखाया उसके साथ ही गद्दारी चालू है। फिर भाई मैंने उनका स्केप करवाया। ठीक है, स्केप हाँ करवा के मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को सिखाओ। फिर ओके को लाइक मेरे को इतना ताकतवर बनना कि मैं अपने बाप को मार पाऊं। ओके तो क्या ये रात ये रात कैसे हो गई? कैसे हो गई? भाई ये मेरी गुस्से की वजह से हो रहा है सब कुछ। हाँ फिर फिर उन्होंने मेरे को ट्रेन किया। मैंने अपने सारे फॉर्म्स, पूरा पोटेंशियल, जो जो मैं कर सकता हूँ सब कुछ दिखा। फिर मैं अपने बाप को मारने गया, बट लिटरली मैंने 202 बिलियन साल तक ट्रेन किया, बट उसने मेरे को लिटरली एक शॉट में मेरे को लिटरली ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बट फिर मैंने अपना सबसे डिफेक्टिव मूव यूज किया जिससे मैंने उसको ट्रैप कर दिया।
और बट फिर मेरे को पता चला कि वो कभी भी स्केप हो सकते हैं, बट उसने बोला कि तेरा टाइम आएगा बेटे, तेरा टाइम आ गया। फिर जब वो ट्रैप हुआ, मैंने वो उसको लेके उसको स्पेस में फेंक दिया जहाँ पे उसको ट्रैप हो के रखा था। वो अभी चाहे तो और खुद एस्केप कर सकता है तोड़ के। अरे हाँ, वो अभी मेरे सामने भी आ सकता है। और ना, फिर मैं बन गया नया डीमन की। अभी भी तू ही है मतलब यहाँ पे। अच्छा हाँ, फिर बट मेरे भाई जो भी इवल डीमन किंग है उसको तेरा भाई बहुत है जलन एविल हो रही डीमन थी। मैं किंग। हाँ, हाँ तो तो मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, लाइक उसको लगा कि वो इतनी आसानी से किंग बन गया, मैं क्यों नहीं बना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो मेरे को बार बार वो खुद का अलग एक जगह जाके बस्ती बना के मेरे किंगडम में अटैक करता है साला चप्पू को। इवल दीवन की फिर एक दिन को, हाँ, फिर फिर मैंने बोला बस, मैंने बोला भाई अब नहीं होगा भाई, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरे को अटैक कर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बंदों को अटैक करते, तेरी माँ की, इसको बोल के मैंने उसको इधर भेज दी। बट फिर मैंने सुना कि ये इधर आके भी हंगामा कर रहा है, भाई ये तू इधर में आया इसको ट्रैप करने। बट somehow इसने मेरे को मार दिया, मेरे को भी नहीं पता कि इसने कैसे मारा। और फिर मैं रीइनकार्नेट हुआ और अभी मैं ऐसा हूँ। देखो, लगता है ना कि अगर मैं अपना फुल, जो वो मल्टीवर्स गॉड ने बताया ना, मेरा परसेंटेज, जब मैं बच्चा था मेरा तब उतना परसेंटेज था मेरा, मैं जब बच्चा था हाँ मेरा जो ट्रू पावर है वो मेरे को अभी वापस 202 बिलियन साल तक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अच्छा जस्ट यही थी स्टोरी। अब मेरा लाइफ का गोल है कि मैं उसको मारू।